So hi 12th class, I am Atul Rana and we are with 12th chemistry chapter 10. Okay. बेटा तुम्हारे पेपर्स में क्या आता है दिस क्या बोलते हैं उसको डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं कि डिस्टिंग्विश करो पेपर में तीन नंबर की तीन या छह नंबर की भी डिस्टिंग्विशन आ सकती है कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या फर्क है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या फर्क है तो वो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं. सो ऐसे ही अल्कोहल्स के लिए डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ेंगे दैट इज ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट. नाउ यू नो दैट अल्कोहल कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है अल्कोहल है ठीक है अगर एक आर ग्रुप लगा है बाकी एच लगे दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है अगर अल्कोहल है और दो आर ग्रुप लगे हैं दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है और अल्कोहल है और जो तीनों ग्रुप अटैच है दैट आर अल्काइल ग्रुप दैट इट इज 3 डिग्री अल्कोहल. ओके सो देर आर डिस्टिंग्विश टेस्ट कि हमें कैसे पता लगे कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है देखने से पता नहीं लगता. ठीक है तो उसके लिए टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट. हम क्या करेंगे अल्कोहल में ZnCl2 और HCl डालेंगे. ठीक है दिस ZnCl2 plus HCl इज कॉल्ड एज ल्यूकास एजेंट. दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकास एजेंट. दिस इज नोन एज ल्यूकास एजेंट. इसी के ऊपर टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट. दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकास एजेंट. ल्यूकास एजेंट. ठीक है जब ट्रीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा अल्काइल हैलाइड मिलेगा. अल्कोहल को ल्यूकास एजेंट मीन्स ZnCl2 plus HCl के साथ ट्रीट करने पे अल्काइल हैलाइड मिलेगा. ठीक है ओके अल्काइल हैलाइड मिलेगा. अल्कोहल तो उसमें सोल्युबल है अल्काइल हैलाइड जो बनेगा उसकी वजह से टर्बिडिटी आएगी. टर्बिडिटी में थोड़ा सा झाग आएगा. टर्बिडिटी समझते हो कि थोड़ा सा शेक होगा सॉल्यूशन जैसे इनो डालते हैं पानी में तो थोड़ा सा शेकिंग होती है ना वैसी टर्बिडिटी आएगी. इनो पानी में डालते होता निकलता ना झाग जैसे उसको होता है टर्बिडिटी वैसी टर्बिडिटी आएगी. अगर इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली एकदम अल्कोहल को ल्यूकास एजेंट में डालने पे या ल्यूकास किसी को भी किसमें डाल लो इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली एकदम से आ जाती है देन अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल यानी अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल. टर्शियरी अल्कोहल. ओके अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल. ओके इफ अगर एकदम से मिक्स करने पर टर्बिडिटी आती देन इट इज टर्शियरी अल्कोहल. ओके सेकंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स अगर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आती देन इट इज 2 डिग्री अल्कोहल. पता लग जाएगा हमें कि दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल या इसको बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल. ओके एंड इफ नो टर्बिडिटी अपीयर्स नो टर्बिडिटी अपीयर्स अगर कोई टर्बिडिटी नहीं आती है देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल. देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल. देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल. सो दिस इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल. टर्बिडिटी इसमें बहुत कम आती है बहुत लेट आती है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टर्बिडिटी. सो दैट इज 1 डिग्री. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट जिससे तुम्हें पता लग जाएगा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तो तुमने ये कर दिया. ठीक है दिस इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल्स. नाउ द सेकंड टेस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज द सेकंड टेस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द सेकंड टेस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द सेकंड टेस्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन इथाइल अल्कोहल वर्सेस मिथाइल अल्कोहल. पूछ लेते हैं कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के बीच में टेस्ट करके दिखाओ. ओके इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल. तो दैट टेस्ट इज आइडोफोम टेस्ट. आइडोफोम टेस्ट मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का दैट इज आइडोफोम टेस्ट. ओके जैसे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3 दिस इज क्लोरोफॉर्म यू हैव स्टडीड सेवरल टाइम्स. तो आइडोफोम क्या होगा CHI3. ठीक है आइडोफोम होगा इसके प्रेसिपिटेट येलो कलर के होते हैं. इसके प्रेसिपिटेट किस कलर के होते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट इसके होते हैं. ठीक है तो आइडोफोम टेस्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल ले लो CH3CH2OH इसमें डाल दो तुम क्या नाम उसका दिस आयोडीन डाल लो. ठीक है प्लस NaOH डाल दो आयोडीन डाल दो NaOH डाल दो तो उससे क्या होगा बनेगा अपने पास
सी एच आई थ्री आयोडो फॉर्म प्लस एच सी ओ ओ एन ए, ठीक है, ये कौन सा आ गया, सोडियम, दिस इज सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम मिथेनोइट, मिथेनोइट, सो ए कार बनेगा सोडियम मिथेनोइट, ओके, ये बन गया, प्लस आएगा अपने पास एन ए आई प्लस बनाएगा एच टू ओ, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो कैसे होगा, चार मॉलिक्यूल इसके ले लो, छह इसके ले लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पांच निकल आएगा, और वाटर देख लेना कितना आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो चार छह हाइड्रोजन है, छह दो आठ हाइड्रोजन है, छ दो आठ चार बारह हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिक्स एच टू आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज आइडोफोम। तो जब तुम आइडोफोम टेस्ट करते हो, इथेनॉल में तुम आयोडीन और एनएच पास करते हो, तो ये बनता है, दिस इज आइडोफोम, तो इसके प्रेसिपिटेट होते हैं, नीचे बैठ जाता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो पीपीटी बनते हैं, ठीक है। अब यही रिएक्शन तुम मिथेनॉल के साथ करो, मिथेनॉल के साथ करो, मिथेनॉल लो सी एच थ्री ओ एच प्लस आयोडीन डालो और एनएच डालो एन ए ओ एच, तो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, no reaction. So in this way, by using this iodophone test, you can distinguish that whether the given alcohol is ethyl alcohol or methyl alcohol. So methyl or ethyl में ये वाला test तुम कर सकते हो, ठीक है? After this test, the last test which we are doing for is that is for phenol. That how can we find out that the given alcohol is phenol? Phenol, ठीक है? Test for phenols. Test for phenols. Test for phenols. Okay. Test for phenols. फिनोल का तुम्हें पता फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है, दिस इज फिनोल, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं C6H5OH, दैट इज आल्सो फिनोल, फिनोल ये ना, ये एक दो तीन चार पांच छह कार्बन, छह पांच हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन की OH लग गया, सो दिस इज फिनोल, वेदर यू राइट इट लाइक दिस और दिस, दिस इज फिनोल, ओके, सो दिस इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सो व्हाट हैपन, यू टेक सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ phenol, phenol ले लो C6H5OH, ठीक है, phenol आके इसके 6 molecule ले लो, इसको treat कर दो FeCl3 के साथ, ferric chloride के साथ, तो एक complex बन जाता है, that is FeO C6H5 6 है इसके, अब इसके ऊपर benzene के ऊपर 0 होता है charge, benzene के ऊपर 0 charge होगा, Fe के ऊपर plus 3 होगा, तो balance करने के लिए अब minus ले लो, this complex is violet in color, violet complex plus kya hoga this h positive ion nikalega aur sc nikal jayega, theek hai, so this complex is violet complex, so ferric chloride test kaun dega, ferric chloride test phenol dega, alcohol ferric chloride test nahi dete hain, to phenol ko test karna, puch lo ki give the distinguishing test for phenols, to tum ye de do ki hum bhi isme phenol mein ferric chloride dalenge, ek violet color ka complex ban jayega, violet color dega solution ka due to formation of this complex, theek hai, and this is known as this test for phenols is for, so with this, this your chapter aldehydes this alcohols, phenols and ethyls also over.